फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज आई एम टिगोर, ईवी का रिव्यू करने आए हैं ड्यून मोटर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो कमिंग टू द फ्रंटल, ये वाला आ गया आपका हेडलाइट। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, आपको जो नॉर्मल टिगोर में मिलता है उसका जैसे ही आपको डिज़ाइन है। एंड कमिंग टू द ग्रिल, ग्रिल में भी कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ईवी का बैजिंग देख सकते हो। ओके, यहाँ पर आपका चार्जिंग सॉकेट है, ये रहा। ओके, आपका जैसे नेक्सन ईवी में साइड में दिया गया है, साइड में एक्चुअली इसका फास्ट चार्जर है। एंड यहाँ पे फॉग लैम्प नहीं है, एक्चुअली ये एक्सएम वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है। इसमें थ्री वेरिएंट्स आते हैं, एक्सएम, एक्सटी एंड एक्सई। एक्सई ये बेस वेरिएंट है। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, आपका टायर का साइज़ आ गया 175/65। ये R14, मतलब 14 इंच का व्हील है। कमिंग टू द ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस आपका आ जाता है 176 mm। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ईवी का बैचिंग। ये आ गया साइड मिरर नॉर्मल सा। ओके, एंड कमिंग टू द रियर, रियर पे ये क्रिस्टल इंस्पायर्ड वाला टेल लैम्प है, ये XM प्लस वेरिएंट है। यहाँ पे भी बैचिंग देख सकते हो ठीक। और ईवी बूट खोल के देखते हैं, पावर्ड बाय इलेक्ट्रिका ईवी। ओके ओके, आपका ये रहा स्पेयर व्हील ये गाड़ी का। ओके, एंड ये बूट आपका आ जाता है 260 liters का बूट। एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो एंटीना देख रहे हो, ये सार्फिन एंटीना है। इट इज़ फिनिश्ड इन पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे स्पॉयलर भी है। एंड कमिंग टू द लेफ्ट साइड प्रोफाइल, यहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग है। ये एक्चुअली फास्ट चार्जिंग के लिए, वो जो सामने दिया गया है वो स्लो चार्जिंग। ये फास्ट चार्जिंग एक्चुअली इट टेक्स अराउंड 120 मिनट्स, जो नेक्सन ईवी के लिए आपको हो जाता है 1 आवर में। ये गाड़ी को 2 आवर्स लग जाता है। तो कमिंग टू द रियर सीट, रियर सीट तो सही है, लेकिन सीट मेरे को इतना मतलब कंफर्ट नहीं लगा, मतलब नॉर्मल। ओके, अंडर थाई सपोर्ट भी उतना नहीं है। यहाँ पे आपका आ गया हैंडल बार, यहाँ पे आपको आ गया लाइट, एंड यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर, नो रियर एसी वेंट। ओके, अब सीधा हम ड्राइवर सीट पे चलते हैं। ये इट इज पावर्ड विथ 21.5 kW बैटरी है। सो कमिंग टू द ड्राइवर सीट, ओके, आपका हो गया, ये रहा आपका ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स ओके इनफ, नॉट बैड। आपका ये रहा एसी वेंट, यहाँ पे एक एसी वेंट। ये आ गया आपका मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट सिस्टम, अभी ऑन करके देखते हैं। ओके, ये आपका आ गया ऑटोमेटिक है, एक आ गया रिवर्स मोड, न्यूट्रल एंड स्पोर्ट्स मोड। एंड उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपका आ गया, आपका आ गया चार्जिंग कितना है, रेंज कितना दिखा रहा है 121। एंड यहाँ पे आपका आ गया, ओके फाइन, इको मोड में है अभी, नो मिरर्स के बेसिक चीज जो भी है वो दिया गया है। यहाँ पे आपका आ गया एक चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आ गया ऑक्स पोर्ट, यहाँ पे एक आ गया दूसरा चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। और यहाँ पे आपको छोटा बॉटल रख सकते हो 0.5 लीटर का। एंड यहाँ पे एक स्पेस, छोटा सा स्पेस है। एंड यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, ये एक छोटा बॉटल ही रख सकते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा होल्डर कुछ नहीं है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये 3 वेरियंट्स में आते हैं, सो एक्सी प्लस वेरियंट, एक्सएम प्लस वेरियंट एंड एक्सटी प्लस वेरियंट में। सो अभी देखते हैं ये तीनों वेरियंट्स में क्या डिफरेंस है। तो कमिंग टू द एक्सी वेरियंट, जो बेस वेरियंट है, आपको आ जाता है स्टील व्हील, यहाँ पे आपको एलॉय व्हील नहीं दिया जाता है। एंड यहाँ पे आपको जो भी है साइड मिरर, ये बॉडी कलर का नहीं आता है, ये ब्लैक कलर में आता है। एंड LED टेल लैम्प तो आता है, ये सारे वेरियंट्स में आपको तो मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर्स। एंड लेकिन पावर विंडो आपका ओनली फ्रंट 2 का पावर विंडो दिया जाता है। एंड एयर बैग भी आपका ओनली ड्राइवर सीट का मिलता है, एंड को पैसेंजर का नहीं मिलता है।
एंड ये मैनुअली साइड मिरर आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एंड कमिंग टू द एक्सएम वेरिएंट, एक्सएम वेरिएंट में आपको ड्यूअल एयरबैग्स मिल जाता है ड्राइवर्स का एंड को पैसेंजर का भी, एंड ऑटो डोर लॉक भी मिल जाता है, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको ऑटो डोर लॉक नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे ये एक्सएम वेरिएंट है, ये यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो एडजस्टेबल मिल जाता है। इंटीग्रेटेड स्टीरियो सिस्टम भी, बेस वेरिएंट में आपको स्टीरियो सिस्टम नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको पावर्ड बाय हार्मन है ये वाला, या आपको इंटीग्रेटेड टाटा का जो भी है वो आपको मिल जाता है। एंड कमिंग टू द एक्सटी वेरिएंट में आपको रिमोट एंट्री, एक्सएम वेरिएंट में भी आपको रिमोट नहीं मिलता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक ORVM ये बॉडी कलर का मिल जाता है। एंड डोर हैंडल्स जो भी है ये भी बॉडी कलर का है, लेकिन XE वेरिएंट एंड XM वेरिएंट जो है उसमें आपको ये ब्लैक कलर में, जो भी ब्लैक कलर फिनिश में आता है। एंड बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड आपको एलॉय व्हील्स भी मिल जाता है। ये शार्क फिन एंटीना तो XM वेरिएंट में एंड XT वेरिएंट में दोनों में मिल जाता है। तो ये रहा डिफरेंसेस। एंड आपको जो भी है प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ जाके चेक करते हो। तो अभी चलिए ये गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा। सो, अभी चलो चलते हैं टिगर ईवी का टेस्ट ड्राइव लेते हैं। सो, मेरे साथ है त्रिनाथ जो टीम लीड है, इसे पहले भी आप देखे हो नेक्सॉन ईवी का टेस्ट ड्राइव लेते वक्त। सो, अभी ये मेरे को बताएंगे कि ये गाड़ी का प्राइसिंग डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स जो भी है। सो, त्रिनाथ जी बताइए ये गाड़ी का प्राइस कितना क्या आ जाता है, एक शोरूम प्राइस? सर, एक शोरूम प्राइस इसका तो करीब 11 लाख से 12 लाख तक आता है। ओके। और जो ऑनरोड प्राइस है इसका 14,80,000 तक आता है। ओके। अभी सर इसमें हमारा कुछ ऑफर है जो कि लिमिटेड स्टॉक में हमारा है। ओके। उसके लिए आप लेंगे तो 1,00,000 का डिस्काउंट है, अगर कमर्शियल में लेंगे तो वो 1,00,000 प्लस 2,15,000 डिस्काउंट आप ले सकते हैं, इसका ऑफर है सर। ओके, फाइन। सो, इसका ड्राइविंग रेंज आप कितना दे रहे हैं? आप नेक्सॉन ईवी का तो आप बोले थे लाइक 312 किलोमीटर तक उसका दे रहा है, लेकिन इसका ड्राइविंग रेंज कितना क्या है, मतलब इसका सर, एक फुल चार्ज में कितना क्या हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं? जी सर, इसका ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसको 213 किलोमीटर का सर्टिफाइड दिया है। ओके। नहीं तो एवरेज ड्राइव, स्पीड ड्राइव और कंबाइनली ये आपको 150-160 तक आता है। ओके। जी, विथ एसी, विथ ऑल टाइप्स ऑफ कंफर्ट। सो, इसका फास्ट चार्जिंग जो भी है कितना टाइम लगता है कि मतलब होने में? फास्ट चार्जिंग सर, फास्ट चार्जिंग स्टेशन में 2 घंटा लगेगा। तो क्यों, नेक्सॉन ईवी का तो 1 घंटा लग जाता है लेकिन इसमें 2 घंटा लगता है? वो तो इसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है और वो डिफरेंट सेगमेंट का नया टेक्नोलॉजी है, ये पावर्ड बाय इलेक्ट्रा। अच्छा। टाटा का पहला इलेक्ट्रिक सेगमेंट, ये पहला गाड़ी है ना, टिगर ईवी फर्स्ट गाड़ी था ना टाटा का, उसके बाद नेक्सॉन ईवी बना गया था। जी जी। तो इसका सेल्स का मतलब अभी जितने भी सेल्स किए हो तो कस्टमर का फीडबैक क्या है भुवनेश्वर, मतलब उड़ीसा में? उड़ीसा में तो ज्यादातर गाड़ी टाटा कंपनी में गया है। इनका जो इंटरनल मोस्टली ये क्या कमर्शियली यूज करते हैं क्या ये वाला गाड़ी? टिगर डिस्काउंट है। अच्छा। कंपनी का और फेम डिस्काउंट, इसको 2,15,000 है। अच्छा। और जिसका रेंज तो आपको 150-160 तक तो आधा आ जाता है 70-80 स्पीड में और एसी में भी। ओके। और क्या है कि जितना जिसका रनिंग कम है। ओके। मान कर लीजिए कि 100-120 मैक्सिमम रनिंग है एक दिन के लिए। ओके। उनको लिए उनके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छा है। ओके। और पैसा भी सेविंग होगा, ड्राइविंग कॉस्ट कम होगा। इससे पहले हम जैसे नेक्सॉन ईवी में देखे थे लाइक स्पोर्ट्स मोड है, ये वाला गाड़ी में अभी स्पोर्ट्स मोड है, अभी ड्राइव मोड में है, तो अभी चलो स्पोर्ट्स मोड पे स्विच करते हैं। फाइन। स्पोर्ट्स मोड मेरे को सही लगता है, लेकिन यू कांट कंपेयर दिस व्हीकल विद नेक्सॉन ईवी। ये वाला गाड़ी में अभी मेरे को स्टीयरिंग थोड़ा स्टिफ लग रहा है एंड सस्पेंशन भी स्टिफ लग रहा है। इसमें टाटा में भी फर्दर इसमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। एक बार बंदा जो चला लिया नेक्सॉन ईवी तो उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं लगेगा ये वाला गाड़ी। स्टिल कमर्शियल पर्पज के लिए ये वाला तो गाड़ी सही है, इसका रेंज भी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अभी नेक्सॉन ईवी तो 100 किलोमीटर ज़्यादा रेंज दे रहा है, लेकिन अभी इसमें ओनली 200 तो हमें सो इट कम्स टू ओनली 150 अगर सिटी पे ड्राइव करते हो, वो भी आप ड्राइविंग मोड पे आपको ड्राइविंग कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। सो, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो, वंस अगेन थैंक्स टू मिस्टर त्रिनाथ जो टीम लीड है यहाँ का, वो हेल्प मी आउट इन दिस वीडियो। सो, अगले वीडियो पे मिलते हैं। सो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।